हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या अपने घर से भागकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी टक्कर उसकी भाभी सपना से होती है। दिव्या पसीने में लथपथ गर्भवती हालत में थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सपना बोलती है, अरे दिव्या तुम्हारी ऐसी हालत, तुम गर्भवती अवस्था में कहाँ भागे जा रही हो, और तुम्हारे साथ ससुराल वालों में से कोई नहीं है क्या? भाभी मैं आपको क्या ही बताऊं, अब क्या क्या हुआ है मेरे साथ, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। तुम रो क्यों रही हो इतना, और क्या हो गया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी कुछ भी ठीक नहीं है। भाभी अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या होगा अब? एक काम करो, पहले तुम मेरे साथ घर चलो, घर जाकर हम कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सपना दिव्या को अपने साथ घर लेकर जाती है, जहां उसे पानी पिलाकर कुछ देर आराम करने को कहती है। थोड़ा आराम करके दिव्या शांत होती है, जिसके बाद वो सपना के पास बाहर हॉल में आती है। उसे देखकर सपना बोलती है, अब ठीक हो तुम? हाँ भाभी अब ठीक हूँ मैं। अच्छा बैठो यहाँ और बताओ तो सही क्या बात हो गई, तुम इतनी परेशान घबराई हुई कहाँ जा रही थी, क्या हुआ? भाभी मैं अपने घर से भागकर जा रही थी। क्या, मेरी गर्भवती ननद घर से भागकर जा रही थी? लेकिन क्यों दिव्या, क्या हो गया, कोई झगड़ा हुआ है क्या, या कोई और बात है, तो हमें बताओ ना, हम बात करते हैं उनसे, ऐसा भी क्या मन मुटाव हो गया? नहीं भाभी आप कहीं नहीं जाओगी, आपको उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों ना जाऊं मैं, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम गर्भवती हो और तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं वहाँ बात करने भी ना जाऊं, ऐसे तो सब और खराब हो जाएगा ना। भाभी कुछ बचा ही नहीं है जो ठीक हो सकता है, मेरे घर वाला का ये मानना है कि ये बच्चा किसी और का है और वो ये बच्चा गिराना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। यही तो बोल रही हूँ मैं, अगर उन्हें कोई गलत फहमी है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी गलत फहमी दूर करें। तुझे वहाँ से भागने की जरूरत ही नहीं थी, मैं जाकर बात करती हूँ। भाभी आपको मेरी कसम है आप कहीं बात करने नहीं जाओगी, आपको मेरे यहाँ रहने से परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन आप उन लोगों से बात करने नहीं जाओगी। ये कैसी बातें कर रही हो, हमें तुम्हारे यहाँ रहने से क्या परेशानी होगी, तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन मैं अभी भी ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार बात करनी चाहिए। दिव्या जिद करके सपना को उसके ससुराल जाकर बात करने से रोक लेती है, लेकिन सपना से अपनी गर्भवती नंद की हालत ऐसी देखी नहीं जा रही थी। अब कई दिनों तक दिव्या अपने मायके में ही रहती है। कुछ दिनों बाद दिव्या हॉस्पिटल जा रही होती है अपने चेकअप के लिए, तो सपना भी उसके साथ ही जाती है, जहां डॉक्टर दिव्या का चेकअप करती है और बोलती है, जी घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस 3 महीने और फिर आपका बच्चा आपके पास होगा, आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत है, कोई भी भारी काम मत करना। 3 महीने बाद बच्चा कैसे आ सकता है, अभी तो ननद जी की शादी को 4 महीने ही हुए हैं, और शादी के 4 महीने बाद भी गर्भवती हो गई, वो भी 6 महीने की। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, अब कब आना है मुझे चेकअप के लिए? देखिए चेकअप के लिए तो आपको हर 2-3 हफ्ते में आना ही पड़ेगा, और कोई परेशानी लगे तो आप कभी भी आ सकती हैं, और हाँ दवाई को समय से लेना, ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर साहब, भाभी चले घर। डॉक्टर की बात सुनकर सपना के मन में दिव्या के 4 महीने की शादी में 6 महीने की गर्भवती होने को लेकर शक आ जाता है, लेकिन बिना किसी सबूत के सपना कुछ नहीं बोलती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सपना दिव्या को बिना बताए ही उसकी सास शांति को घर बुला लेती है। अपनी सास को अपने मायके में देखकर दिव्या घबरा जाती है, और दिव्या सपना से बोलती है, भाभी ये यहाँ क्या कर रही है, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी सास यहाँ आने वाली है? दिव्या ये तो मुझे भी नहीं पता था ये आने वाली है, अचानक से आ गई, मुझे पता होता तो मैं क्या तुम्हें बताती नहीं? अब मैं क्या करूँ, मेरी सास ने भाभी को अगर सब बता दिया कि उनके गर्भवती नंद घर से क्यों भागी तो क्या होगा मेरा, भाभी तो मुझे यहाँ से जाने को बोल देंगी, मैं कहाँ जाऊँगी? बहू तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई क्या, तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? भाभी अगर आप मेरी सास से बात करोगी तो मैं अभी इस घर से चली जाऊंगी।
बहू, तेरी इसी हालत की वजह से ही तो मैं तुझसे बात करने आई हूँ। आपकी बात ही नहीं सुननी है मैंने। आप मेरे मायके से अभी जाओ। आप लोगों की वजह से मैं अपने घर से भागी थी, वो भी गर्भवती हालत में। दिव्या अपनी सास को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है और उसे घर से जाने को बोल देती है। और दिव्या की इस हरकत से सपना का शक यकीन में बदल जाता है, जिस पर सपना भी शांति को जाने के लिए बोल देती है। लेकिन सारा सच जानने के लिए सपना शांति के पीछे उसके घर जाती है और वहाँ पहुँचकर शांति से बोलती है। आंटी जी, मेरे घर तो पूरी बात नहीं हो पाई, लेकिन अब आप मुझे बताओगी कि आपकी वजह से क्यों मेरी गर्भवती नंद अपने घर से भागी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी तेरी नंद की है। मुझे उसके गर्भवती होने की खबर तब पता चली जब वो शादी के बाद एक सुबह दिव्या रसोई में खाना बनाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से अपनी माँ बनने की बात कर रही होती है और ये सारी बातें उसकी सास शांति सुन लेती है। जिसके बाद शांति रसोई में आती है और दिव्या से बोलती है, बहू तू माँ बनने वाली है और वो भी किसी और के बच्चे की। नहीं माँ जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मैं अब सब सही से समझ रही हूँ। तू अब तक मुझे और मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? रुक, मैं अभी अपने बेटे को बताती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा। माँ जी, उन्हें क्यों बताना है ये सब, ठीक तो चल रहा है और मैं अपनी गलती मान भी तो रही हूँ। बस आप उन्हें कुछ मत बताओ, मैं कभी अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करूँगी। तू धोखा दे सकती है मेरे बेटे को, लेकिन ये नहीं जो तेरी करतूत है, सबको पता चलनी चाहिए। माँ जी, क्यों आप मेरा घर तोड़ना चाहती हो? इतनी मुश्किल से तो सब ठीक हुआ है, आप सब बताकर क्यों वापस से सब खराब कर रही हो? मैंने बस इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि मैं अब अपने पति के साथ ही रहूंगी। मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी है। शांति अपने बेटे को सब बताने ही जा रही होती है कि दिव्या उसके सर पर जोर से बेलन मारकर वहां से भाग जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से वो घर से भागी थी और उसकी इसी गलती की वजह से हम उसे ढूंढना भी नहीं चाहते थे। क्या इतनी बड़ी बात है? और अब तक ननद जी हमसे झूठ बोल रही थी, मेरी गर्भवती ननद अपने घर से अपनी गलती को छुपाने के लिए भागी थी। हाँ, और यही कारण है जब कल मैं तुम्हारे घर आई तो उसने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, और कितने लोगों का मुंह बंद करवा सकती है मेरी ननद, अपनी गलती का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। सपना को सारी सच्चाई का पता चल जाता है और वो शांति को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। शांति और सपना को एक साथ देखकर दिव्या फिर से घबरा जाती है और अपने भाई विक्की से बोलती है, भाई आप भाभी को देख लो, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरी सास को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और अब भाभी अपने साथ खुद ही उन्हें यहाँ ले आई। सपना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें जब मना किया है तो क्यों बार बार वही कर रही हो? विक्की जी, आपको जितना पागल बनाना था बना दिया दिव्या ने, लेकिन गलती उसके घर वालों की नहीं बल्कि दिव्या की ही है। क्या? यही सच है, मेरी गर्भवती ननद अपने घर से इसलिए ही भागी थी क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी, बल्कि ये तो अपनी सास के सर पर बेलन मार के भागी थी। भाभी, इसमें मेरी गलती नहीं है, माँ जी समझ ही नहीं रही थी। समझना आंटी को नहीं, तुम्हें चाहिए था, अपनी गलती को छुपाने के लिए गलती पे गलती करती रही थी, लेकिन अब और नहीं, तुम इस घर में नहीं रह सकती। भाभी आप ये क्या बोल रही हो, मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब हमें नहीं पता, तुम्हारी गलती ही है जो अब तुम पर भारी पड़ रही है। सपना को सच्चाई पता चलती है तो वो ये सबको बताती है और अपनी गर्भवती नंद जो अपने घर से भाग कर आई थी उसे अपने मायके से भी जाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।